चलिए बनाते हैं आज तिरंगा उत्तपम, जो कि आप अपने बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। ये बनाना बहुत ही आसान है, साथ ही साथ ये टेस्टी भी बहुत होता है। देख सकते हैं आप ये कितना सॉफ्ट बना है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर से देखिएगा, ये वीडियो अच्छी लगेगी तो शेयर कर दीजिएगा, और हाँ मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। तो तिरंगा उत्तपम बनाने के लिए सबसे पहले लेना है 1 कप सूजी, और 1 कप सूजी में हम डाल देंगे 1/2 कप दही, और दही डालने के बाद इसमें हम डाल देंगे नमक स्वाद के अनुसार। नमक डालने के बाद अभी हम इसमें डालेंगे 1/2 कप पानी। पानी डालने के बाद इसे हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है, इस तरीके से हमें इसको मिला लेना है। तो 15 अगस्त आने वाला है, तो 15 अगस्त पे आप अपने बच्चों के लिए ये तिरंगा रेसिपी ज़रूर से बनाइएगा। अभी हम इसको कवर करेंगे और इसको हम फूलने के लिए रख देंगे। यहाँ पे मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, भाई तिरंगा रेसिपी बना रहे हैं तो सब्जियाँ भी मैंने यहाँ तिरंगा ही ली है। तो यहाँ पे हम लेंगे टमाटर, और टमाटर को जितना आपको ज़रूरत हो उतना ले लेंगे। तो मैं यहाँ पे 1/2 टमाटर ले रही हूँ, और 1 हिस्सा मैं यहाँ पे शिमला मिर्च का ले रही हूँ, और साथ में हम ले लेंगे 1/2 प्याज। इन सबको हमें रफली काट लेना है। तो शिमला मिर्च का बीज निकाल देंगे और सारी सब्जियों को हम रफली काट लेंगे। तो ये तिरंगा रेसिपी आप ब्रेकफास्ट में भी खा सकते हैं, ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है, साथ ही साथ इसमें ऑयल नहीं होता है, तो ये वेट लॉस के लिए भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने यहाँ पे सारी सब्जियों को रफली काट लिया है। आप चाहे तो इसको बारीक बारीक हाथ चाकू से ही काट सकते हैं, या फिर इस तरीके से आप वेजिटेबल चॉपर में डाल करके इसको चॉप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर सारी सब्जियों को वेजिटेबल चॉपर में डाल के चॉप कर दूँगी। 1 मिर्ची भी मैंने यहाँ पर काट के डाल दिया है, और इस तरीके से हम इसको चॉप कर लेंगे। तो यहाँ देखिए सब्जियाँ भी हमने चॉप कर ली हैं। तो अभी हम सब्जियों को रख देंगे साइड में और आगे की प्रोसेस करेंगे। तो इन सबको करने में, सब्जियों को काटने में, सूजी हमारी यहाँ पे अच्छे से फूल चुकी है, तो इसको हम चेक कर लेंगे। तो ये देखिए ये थोड़ी सी गाढ़ी हो गई है। तो अभी हम इसमें लगभग 2 चम्मच के आसपास पानी डाल देंगे, और इस तरीके से हम मिला लेंगे। तो ये देखिए हमारा बैटर रेडी हो चुका है। तो अभी हम लेंगे यहाँ पे 2 कटोरियाँ, और कटोरियों में हम बैटर को 3 हिस्सों में अच्छे से हम डिवाइड कर लेंगे, क्योंकि हम तिरंगा रेसिपी बना रहे हैं। तो यहाँ पे हमें अलग अलग कटोरियों में बैटर को ले लेना है। तो फ्रेंड अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगेगी तो इसे शेयर ज़रूर से करिएगा, और हाँ अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो यहाँ पे एक बैटर में मैं डाल रही हूँ ऑरेंज फूड कलर, आप चाहे तो गाजर का जूस भी डाल सकते हैं, और इस तरीके से हम इनको मिला लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑरेंज कलर का बैटर तैयार हो चुका है। तो अभी हम क्या करेंगे, हम दूसरी कटोरी लेंगे और उसमें भी हम हरा रंग डाल देंगे। यहाँ पे मैंने फूड कलर का यूज़ किया है, आप चाहें तो पालक के पत्तों का जूस भी इसमें डाल सकते हैं। बरसात का टाइम है इसलिए मैंने पालक अभी हम लोग खाते नहीं हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर फूड कलर का इस्तेमाल किया है। और एक बैटर को हम ऐसे ही वाइट रहने देंगे। तो ये देखिए तिरंगा बैटर रेडी हो चुका है। तो पैन को मैंने रखा है यहाँ पर गर्म होने के लिए। जब पैन गर्म हो जाएगा तो हम इसको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लेंगे, और इसके ऊपर हम बैटर फैला देंगे। इस तरीके से मैं यहाँ पे फैला रही हूँ। तो पहले मैंने ऑरेंज कलर वाला बैटर डाला था, पर वो वीडियो बन नहीं पाई, वीडियो बीच में ही बंद हो गई थी। तो यहाँ पे मैं आपको ग्रीन वाला दिखा रही हूँ, और इसके ऊपर हम वेजिटेबल सारे जो हमने चॉप करे थे वो डाल के चाकू से इस तरीके से दबा देंगे, और इसको हमें 1 से 2 मिनट तक हमें इसे पकने देना है, जब तक कि ऊपर का मिक्सचर अच्छे से सूख नहीं जाता है। ये देखिए एक इस साइड अच्छे से सूख गया है, तो हम इसको पलट लेंगे और दूसरे साइड भी हम पका लेंगे। इसको पकाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 मिनट में ही ये अच्छे से पक के तैयार हो जाता है। तो थोड़ा सा ऑयल मैं ऊपर से भी स्प्रिंकल कर रही हूँ, और इस तरीके से हम दोनों साइड उलट पलट के मीडियम फ्लेम पर इसे हम पका लेंगे। तो ये देखिए यहाँ हमारा हरे रंग का उत्तपम बन के तैयार हो चुका है, तो इसको भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। ऑरेंज कलर का जो उत्तपम मैंने बनाया उसका वीडियो बंद हो गया था, वो शूट नहीं हो पाया था, तो यहाँ पर वो भी मैंने बना लिया था। तो उसका थोड़ा सा क्लिप मेरे पास है, मैं वो आपको दिखा देती हूँ। तो इस तरीके से जैसे हमने हरा वाला उत्तपम बनाया था, वैसे ही हम ऑरेंज उत्तपम भी बना के तैयार कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से हमें इसको पका लेना है। तो हमारा ऑरेंज उत्तपम भी बन के तैयार हो गया है। तो चलिए अभी हम बनाते हैं अपना सफ़ेद वाला उत्तपम। तो यहाँ पे हमें ये भी बैटर फैला देना है, और उसके बाद इसके ऊपर जो हमने सब्जियाँ काट के रखी थी उसको डाल देंगे, और चाकू से अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए
इसको भी पकने में 5 मिनट लगेगा। जब ऊपर का मिक्सचर अच्छे से सूख जाता है तब हमें इसे पलट लेना है और दूसरे साइड भी अच्छे से पका लेना है। तो फ्रेंड देखा ना कितनी आसान सी ये तिरंगा रेसिपी है, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो गई, खाने में बहुत ही चटपटी और टेस्टी होती है। तो यहाँ पे तीनों उत्तपम बनके तैयार हो गए हैं। तो फ्रेंड अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से करिएगा, और हाँ कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ही मत भूलिएगा कि आपको ये तिरंगा रेसिपी कैसी लगी। तो फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाबा विश्वनाथ की कृपा आप सब पे बनी रहे। हर हर महादेव। थैंक यू।